दोस्तों नमस्ते। आज शनिवार का दिन है, 12 जून का दिन। बहुत तेज़ गर्मी के बाद आकाश में उमड़ उमड़ के बादल छाए थे और गर्मी को कंपनसेट करने के लिए नेचर ने अपने आप ये आंधी का प्रभाव बनाया है और आंधी धूल उड़ती हुई पूरे बीकानेर को आगोश में ले चुकी है। और ये आंधी आज सुबह चली है जो शाम तक रात तक कंटिन्यू चली है। ये गर्मी जैसे ही बढ़ती है गर्म हवा होकर ऊपर उड़ जाती है और उसको कंपनसेट करने के लिए ये आंधियाँ बनती हैं। और ये इस प्रकार से आप देखिए बीकानेर की आंधी, ये बादलों के नीचे से झुरमुट में उठती हुई बहुत विशाल का ये देखिए बहुत आकाश को छूती हुई धूल का गुबार ये पूरे बीकानेर शहर को एनगल्फ कर रहा है, जैसे निगल रहा है और बीकानेर शहर पूरा इसमें समा जा रहा है इसकी आगोश में। तो चलो अब रात का समय हो गया, आज 2998 गाड़ी आने वाली है और हम निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। गाड़ी को कैप्चर करने के लिए 11:30 बजे का टाइम हो गया है, समय हो गया है और पूरी रात शांत पड़ी है। शहर पूरा सो चुका है, उनिंदा पड़ा हुआ है, कोई भी जाग भी नहीं दिख रहा है। इवन कुत्ते भी सो गए हैं, कहीं भी आपको कोई आवाजाही नहीं दिख रही है। एक तो लॉकडाउन है, सैटरडे का दिन है वैसे भी लॉकडाउन है और आदमियों का कोई आवाजाही नहीं। हम बीकानेर से चलकर आज 2998 बीकानेर से गंगानगर से चलकर झालावाड़ गाड़ी को कैप्चर करने जा रहे हैं क्योंकि ये रात को ही आती है और ये इसका डिपार्चर भी 11:30 बजे आधी रात को है। तो उसको कैप्चर करने के लिए हम हमारी मोटरसाइकिल से इसको कैप्चर करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, ये रात का सफ़र है बीकानेर का, शांत पड़ा हुआ है, सो गई हैं सड़कें भी सो गई हैं। सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गई ये जमी, सो गया आसमान। रस्ते उनिंदे लग रहे हैं पूरे दिन भर के दक से बंद। ये बीकानेर का रेलवे स्टेशन है, खूबसूरत, जहाँ लाइटें इतनी जगह चक है कि दिन जैसा लग रहा है। मगर 11:30 बजे का टाइम है तो बहुत ही आवाजाही कम है। ये प्लेटफार्म आ गया है, प्लेटफार्म पे लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। से चलकर जयपुर नागपुर के रास्ते बिलासपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 0824 बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आपका अटेंशन प्लीज। ट्रेन नंबर 08246 बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस फ्रॉम बीकानेर जंक्शन टू बिलासपुर वाया जयपुर नागपुर से चलकर जयपुर नागपुर के रास्ते बिलासपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 0824 बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। मैं आपका अटेंशन ट्रेन नंबर 08246 बीकानेर बिलासपुर 2998 गाड़ी की अगर लोको की बात करें तो इसमें लोको श्री गंगानगर से लेके सवाई माधोपुर तक का WDP 4D DGKT का चलता है, या WDP 4B भी चलता है या WDP 4 भी चलता है, दोनों ही DGKT के चलते हैं। Thank you.
नागपुर के रास्ते बिलासपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 08246 बीकानेर बिलासपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। हाय दोस्तों नमस्ते। कोविड की सेकेंड लहर के काफ़ी लंबे अरसे बाद 2998 आज ये गाड़ी श्रीगंगानगर से चलकर कोटा होते हुए झालावाड़ जाने को तैयार खड़ी है। आज इसका पहला दिन शो है। आज ये पहले इसको डब्ल्यू टी टी फोर इंजन लेके आया है। ये गाड़ी है 2998। ट्रेन के लोको की बात करें तो इसका श्री गंगानगर से लेकर सवाई माधोपुर तक इसका लोको डब्ल्यू डी पी फोर डी बी जी के टी का इसमें चलता है और सवाई माधोपुर से लेकर आगे झालावाड़ तक इसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक लोको लगता है। लोको रिवर्सल दो जगह होता है, एक हनुमानगढ़ जंक्शन में होता है, दूसरा सवाई माधोपुर जंक्शन में होता है। ट्रेवल टाइम की अगर बात करें तो 18 घंटे 40 मिनट ट्रेवल टाइम है इसका और 28 हॉल्ट के साथ ये चलती है। कुल डिस्टेंस 1035 किलोमीटर कवर करती है। कोविड स्पेशल ट्रेन है और मैक्सिमम इसकी स्पीड जब मापी गई है वह सवाई माधोपुर से लेकर रामगंज मंडी के बीच पे 110 से ऊपर ही चलते हैं। श्रीगंगानगर से 17:30 पे क्रमशः मंगल बुध और शनिवार को चलती है और एक रात की जर्नी के बाद झालावाड़ सिटी में अराइव करती है दोपहर को 12:10 पे क्रमशः संडे वेनेसडे और थर्सडे को। 28 टोटल हॉल्ट है, 120 इंटरमीडिएट स्टेशन में आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, अपनी कीमती कमेंट्स से और मन की अभिव्यक्ति से, मन की भावनाओं से मुझे ज़रूर अनुग्रहित करना और बताना आपको आंधी वाला पोर्शन कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। आनंद से रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।